फॉर्मूले की जो स्टार्टिंग में इस कोर्स के जब मैंने फॉर्मूले स्टार्ट किए थे, स्टार्टिंग में मैंने आपको एमआरपी आपको दिया था, एक एमआरपी की कैलकुलेशन समझाया था। चलिए उसी कैलकुलेशन को समझते हैं और समझते हैं कि एडवांस एक्सेल क्या कर सकता है। जैसे कि हमने बताया था आपको कि किसी किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है, अगर मान लीजिए वो 50 है, तो उसकी एमआरपी क्या होगी। तो उसके लिए मैंने कैलकुलेशन समझाया था आपको कि अगर मैन्युफैक्चर 5% का कमीशन रख के क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर खरीद पड़ता है 52.50 रुपए। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अपने कमीशन पे 10% का कमीशन रख के होलसेलर को दे देता है, मतलब 57.75 रुपए में। अब होलसेलर क्या करता है, अपने खरीद पे 15% का कमीशन रखता है और दे देता है किसको, रिटेलर को। रिटेलर को पड़ता है 66.41 रुपए में। रिटेलर क्या करता है, अपने खरीद पे 20% का डिस्काउंट रखता है और दे देता है किसको, कंज्यूमर को। तो फाइनली 50 रुपए में बना प्रोडक्ट 79 रुपीज में मार्केट में आया। ये कैलकुलेशन मैंने समझाया। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए आपने क्या किया, आपने कई सारे सेल्स का इस्तेमाल किया, मतलब कि 8 सेल्स का इस्तेमाल किए हमने, बट मुझे इसकी कैलकुलेशन इन द वन कॉलम चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, क्योंकि अगर आपको अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले लगाने हैं तो एक साथ मत लगाइए, टुकड़ों में लगाइए। जैसे कि हमने यहाँ पे टुकड़ों में लगाया है, अब मैं इसको एक साथ कंबाइन करूंगा। कैसे करूंगा, जैसे मैं इस पे आता हूं तो B3 एंड C5 है, C5 फॉर्मूला है, तो C5 का फॉर्मूला मैं कॉपी करता हूं, एस्केप प्रेस करता हूं और यहां जहां C5 है उसके जगह पे C5 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। मैं C5 को डिलीट कर सकता हूं। उसके बाद आते हैं C6 का, तो C6 का फॉर्मूला कॉपी किया और यहां C6 के ऊपर हम इसको पेस्ट कर देते हैं इन दी ब्रैकेट। मैं इसको हटा सकूं, बट हटाने में दिक्कत हो रही है, यहां पे भी C6 है, तो मुझे यहां भी C6 का फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। मैं यहां जो D5 है, D5 का फॉर्मूला ला रहा हूं और D5 जहां है वहां पे मैं पेस्ट कर रहा हूं। D5 के जगह पे D5 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया। अब यहां पे हम आते हैं कॉपी, और यहाँ E5 जहां पे D6 है उसके जगह पे D6 का फॉर्मूला मैं पेस्ट कर देता हूँ। D6 को डिलीट कर दूंगा, लेकिन डिलीट करने में प्रॉब्लम क्या हुआ कि डेटा चेंज हुआ, मतलब कि हमने गलती किया है। तो Ctrl Z करता हूँ और वापस जहां पे D6 है उसके जगह पे D6 का फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ। अब यहां पे E6 पे आता हूं, E5 सॉरी E5 का फॉर्मूला E6 में जहां है वहां पे पेस्ट कर दिया। बस मैं सिंपल कर रहा हूं कि फॉर्मूले के जगह पे फॉर्मूला का एड्रेस जो है वो हम आपको यहां से निकालना है। अब यहां पे हम जो है पेस्ट करते हैं इसको, इसको भी पेस्ट करते हैं। अब मैं इसको यहां से डिलीट कर सकता हूं। अगेन मैं यहां इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और यहां हम बात कर रहे हैं EF5। F5 के जगह पे F5 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया। F5 को डिलीट कर सकता हूं। तो फाइनली फॉर्मूला ये हुआ। इसको कट करके, कॉपी मत कीजिएगा, इसको कट करके हम यहां लाए। बोले सर ये चीज तो पहले भी आपने बताया था और बताने के बाद सर में दर्द शुरू हो गया था। तो ये आपने देखा कि कैसे हमने अपना फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। इसको बोला फॉर्मूला सिंपलाइजेशन, सॉरी फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। फॉर्मूला मर्जिंग मेथड कि दो फॉर्मूले को एक फॉर्मूले के अंदर हम कैसे मर्ज करेंगे, ये चीजें हमने आपको समझाया।
ओके प्रवीण जी, जी सर, मैंने आया तो पढ़ाई रखा था पहले, मैंने समझने की जरूरत। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला सिंपलाइजेशन की कि एडवांस एक्सेल क्या है। अब आपने अपना तिग्रम लगाया और आप बोल रहे हैं कि सर ये एडवांस है, बहुत एडवांस है, राइट? आप बोल रहे हैं कि ए बहुत एडवांस है, तो अगर ए एडवांस है तो इसकी सिंपलाइजेशन कैसे की जा सके। अब प्रॉब्लम ये है कि ए एडवांस नहीं कर सकते, इसको हम कर सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड। बात समझे? इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लिकेटेड मतलब एक बार आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो दोबारा इस फॉर्मूले में चेंजिंग करने के लिए आपको ही सोचना होगा। मान लीजिए 5% में वो 6% था, तो 5% से 6% करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला की श्रेणी में रखते हैं। हम बात करते हैं फॉर्मूला सिंपलाइजेशन, जैसे कि यहां पे कॉस्ट है और यहां मुझे एमआरपी निकालनी है। कॉस्ट है यहां पे 60, मुझे लगाना है, और सेम मेथड जो ये मेथड है इसी मेथड को यूज करना है। हम यूज करेंगे डिफाइन नीड, फॉर्मूला में जाते हैं डिफाइन नीड में। सबसे पहले आता है क्या है हमारा मैन्युफैक्चरर कॉस्ट, तो हम यहां पे एम डाल देते, शॉर्ट नेम एम, एम लिया और हमने बोला जी जी टू, याद रखिएगा डॉलर साइन नहीं लगना चाहिए यहां पे, कि जी टू का 5% प्लस जी टू एंड ओके कीजिए। तो यहां पे क्या है कि G2 का 5% यहां कैलकुलेट हो गया। अब वो M पे रिजल्ट आएगा उसको हम उसके बिहाफ पे मुझे मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर का D का रिजल्ट निकालना है। तो हमने यहां पे सिंपल लगाया कि M M मल्टीप्लाई बाई 10% प्लस M देन ओके। फिर वापस हम यहां होलसेलर का एच का निकालने वाला, इक्वल हमने बोला कि एम मल्टीप्लाई बाय एम नहीं सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर एट डी, डी मल्टीप्लाई बाय 15% प्लस डी ओके कर दिया एंड फाइनली एम आर पी कैलकुलेट होगा जो क्या होगा एच, यहां पे ब्रैकेट में देना पड़ेगा कि यहां H मल्टीप्लाई बाई 20% प्लस एच एंड ओके। अब यहां पे जस्ट हमें लिखना है एमआरपी, एंटर कर देना है, ये आ गया सर आपका 50 करते हैं तो ये आपका 79, ये हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन 60 करते हैं। तो हो क्या रहा है इस चीज को समझिए। सबसे पहले आपका एम कैलकुलेट हो रहा है, एम क्या कर रहा है 60 का 5% अपने अंदर स्टोर कर देता है। फिर एच क्या करता है, एम से वो 60 का 5% ऐड होके जो आया वो इसने डिस्ट्रीब्यूटर ने जो डी ने क्या किया उसका 10% निकाल कर जोड़ के अपने पास रख लिया। फिर होलसेलर ने उसका 15% जोड़ के रख लिया, देन फाइनली एच ने जो जोड़ा है उसका 20% निकाल के ऐड कर लिया और फाइनल रिजल्ट दे दिया। अब यहां पे देखिए कि किसी को बोलेंगे भाई एमआरपी कैलकुलेट कर ले, तो अगर इस मेथड से चलते हैं तो हमें लगता है उसको तो पहले सर पे हाथ रखेगा और सोचेगा क्या है ये, सॉरी सर एक्टिंग कर रहा था। तो यहां पे सिंपल एमआरपी लिखेगा और डेटा वेटा कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑटोमेटिक सेट है कि जहां पे फॉर्मूला लगेगा उससे पहले आ जाएगा। अब इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक सेल पे ला दिए, अब नीचे तक इसको ड्रैग भी कीजिए, हर किसी का अलग अलग कैलकुलेशन आएगा। तो प्रवीण जी, सुरेंद्र जी, सुनील जी, इसको कहते हैं एडवांस एक्सेल। सिंपल
जी सर, एंड क्विक अप्लाई, समझे। और ये जो तरीका आपको मैंने सिखाया है, अब ये तरीका मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई ट्रेनर आपको सिखा पाता। क्यों? क्योंकि सर हमने ऑफिस की थपेरे खाए हैं तब सीखे हैं, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। क्या बोले प्रवीण जी? जी सर, जी सर। और क्या क्या कर सकते हैं? चलिए इसमें आगे बताते हैं आपको, प्लीज म्यूट कर लीजिए। और क्या क्या कर सकते हैं? सॉरी सर, म्यूट हो गया था। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सेल्स की, और सेल्स में हमने अपना सेल्स फिगर दिखा हुआ है। और मान लीजिए कि मुझे इस पे इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, जैसे कि यहां पे हम देते हैं 0 to 40, 500 होना चाहिए, 41 to 80, 1000 होना चाहिए, 81 to 20, 2000 होना चाहिए, एंड 21 यहाँ पे 100 होना चाहिए था, यस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे लेस देन 100 होना चाहिए 5000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने आपको क्या सिखाया था? इफ का फॉर्मूला। इफ लिया लेस देन इक्वल टू, हमने बोला 40 इक्वल 500, वापस हमने इफ लगाया और बोला लेस देन इक्वल टू 80 तो 1000, फिर यहां पे हमने लगाया इफ, हमने इसको सेलेक्ट किया कि लेस देन इक्वल टू 100 तो 1500, then if अगर ये less than equal to less than sorry 100 तो 5000, अगर कोई टैक्स या जीरो हुआ तो यहां पे जीरो कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर मारा। तो ये हमने आपको सिखाया था, तो इसको भी मैं एडवांस एक्सेल की श्रेणी में रखता हूं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि सब पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता। अब जिसको मान लीजिए एक्सेल नहीं आ रहा है, एक्सेल पे थोड़ा बहुत एवरेज काम कर लेता है, तो उसको इस तरह के फॉर्मूला लगाने में काफी हालत खराब हो जाएगी। बट मेरे जो इस फॉर्मूला, मान लीजिए जो इस फॉर्मूले मैंने बताया आपको, बस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए और यहां डिफाइन नेम में जाइए INC, और इस फॉर्मूले को इसके अंदर डाल के मैं डबल लग गया, ओके कर दीजिए। अब सामने वाला पर्सन जस्ट INC लगाएगा और एंटर प्रेस कर देगा, सारी कैलकुलेशन होंगे। अब आपकी फॉर्मूला को चेंज करना है, जैसे मान लीजिए कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई है इसकी कैलकुलेशन में, कि नहीं बॉस ने बोला कि 500 नहीं, हम यहाँ पे 700 देने वाले हैं, तो बस जाइए यहाँ पे 700 को चेंज कीजिए और टिक के निशान पे क्लिक कीजिए एंड क्लोज कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे फॉर्मूला ड्रैग करने का भी झंझट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा, राइट सर? तो आपको इससे पहले वाले एग्जांपल में भी अगर मान लीजिए कि कोई चेंजिंग है, मान लीजिए कि 5% नहीं है, वो 5.5% है, तो नेम मैनेजर में जाइए और जहां एम पे आपने 5% लगाया है 5.5 लिख दीजिए एंड टिक मार्क लगाइए, देन क्लोज कीजिए, ऑटोमेटिकली पूरा चेंज हो गया। ब
बट इस केस में काफी टाइम लगता, तो इसको मैंने नाम दिया है फॉर्मूला सिंपलाइजेशन। अब इसमें कोई नई चीज नहीं है, जो फॉर्मूला आप लगाते हैं, जो आपने सीखा है वही है, बस उसको हमने ट्रिक के जरिए आपको समझाया है कि कैसे यूज होता है। तो प्रवीण जी, सुनील जी एंड सुरेंद्र जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे इसी तरह के तकरीबन 10 एग्जाम्पल बना के मेल करें, ताकि मैं देखूं कि आपने क्या समझा है। क्या प्रवीण जी? जी सर, जी सर जी। तो मैं आपके मेल का वेट करूंगा। यस सर। और कल हम बात करेंगे इससे आगे की चीजों पे। अभी आगे की ट्रिक्स वाली क्लासेस होगी। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर रहिए। ओके जी सर। सर फाइल भेज देना। जी जरूर जरूर।